हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम देख लिए थे पार्ट टू तक, और ये आपका पार्ट थर्ड है। तो इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है PYQ। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आपको एस्केप वेलोसिटी जो कि आप याद रखिएगा 11.12 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मतलब अगर इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके तो वो अर्थ सरफेस पे वापस नहीं आता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। सो इट्स जो इस क्वेश्चन कह रहा है, इट सेज ए रॉकेट इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ए रॉकेट इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द अर्थ। द सन इज 3×10⁵ टाइम्स हैवियर देन द अर्थ। अब सन का जो मास है कितना टाइम ज्यादा है, 3×10⁵ टाइम्स, यानी 3,00,000 गुना ज्यादा। तो ये आपका इतना टाइम्स ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड इज ए डिस्टेंस दैट इज 2.5×10⁴ टाइम्स लार्जर रेडियस ऑफ अर्थ। इसका कितना होता है, 6400 इसका रेडियस, इतना किलोमीटर। एस्केप वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, और एस्केप वेलोसिटी ये किसका है, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी। और क्या रहा है, मिनिमम, इस वर्ड पे फोकस, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी VS इज रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू बी एबल टू लीव द सरफेस अर्थ सन या सन अर्थ सिस्टम इज क्लोजेस्ट। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, और यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है, इग्नोर द रोटेशन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर प्लैनेट, यानी कि बहुत सारा और भी प्लैनेट है तो उसके वजह से भी रेवोल्यूशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि आपको उसको इग्नोर करना है, इग्नोर द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ सरफेस सन के चारों ओर रेवोल्यूशन भी करता है, तो दो मोशन उसके अंदर होता है, एक तो अपने एक्सिस पे जब वो रोटेट करता है तो रोटेशनल मोशन होता है, और एक वो रेवोल्यूशन करता है उसके सन के चारों ओर जब मूव करता है तो वो आपका रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर प्लैनेट, क्योंकि सोलर सिस्टम में और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसको हम क्या कर लें, इग्नोर करके चले तब आंसर बताना है, वरना और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं तो उसके वजह से भी कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो भी क्या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन बढ़ रहे हैं तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो लार्जर होगा वो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो इसको इग्नोर करना है, और अपने एक्सिस पे ये रोटेट भी कर रहा है तो रोटेशनल मोशन को भी इग्नोर करना है, रेवोल्यूशनल मोशन को भी क्या इग्नोर करके चलना है, और लास्ट में जो प्लैनेट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इग्नोर करके चलना है। तब आप बताइए इसका मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड द रॉकेट टू एबल टू लीव द सन अर्थ सिस्टम, यानी कि वो उसके सिस्टम सन और अर्थ के बीच में ये जो सिस्टम है इसको क्या कर ले, उसको पार कर ले। तो इतना आपको मिनिमम वेलोसिटी, तो ये आपका हो जाएगा VS। VE का मतलब है VE दैट इज एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी आपको कितना दे दिया हुआ है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया क्या, एस्केप वेलोसिटी। और VS जो है
ये आपको इसके वेलोसिटी निकालना है, सन अर्थ सिस्टम, तो ये आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो ये हमको वी एस इसके वेलोसिटी आपको निकालना है सन अर्थ सिस्टम का। तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए रॉकेट इज लॉन्च्ड, ए रॉकेट इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड अर्थ, ज्वाइनिंग द सन एंड अर्थ। द सन इज 3×10^5 टाइम्स हैवियर देन अर्थ एंड इज ए डिस्टेंस 2.5×10^4 टाइम्स लार्जर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। द एस्केप वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है और सन का एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछा है। वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी टू रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू बी एबल टू लीव द सन अर्थ सिस्टम इज क्लोजेस्ट, इग्नोर द रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर प्लैनेट। तो इसका अगर हम फिगर बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसमें आप बस ये याद रखें कि 3×, ये डाटा आपके लिए इंपोर्टेंट है, 3×10^5 टाइम्स हैवियर है, यानी इतना टाइम्स मास ज्यादा है, यानी इतना टाइम्स मास ज्यादा है। और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, 2.5×10^4 टाइम्स इतना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो इसके वेलोसिटी इतना डिस्टेंस लार्जर द रेडियस, यानी कि इससे ज्यादा रेडियस है, यानी इतना टाइम्स ज्यादा रेडियस है, इतना आर, और आर क्या हो जाएगा, आर ई रेडियस ऑफ अर्थ, और इतना टाइम्स मास, तो एम ई इसको लिख लेते हैं, एम ई, तो इतना मास आपका क्या है, मास ऑफ सन, ये आपका हो जाएगा मास ऑफ एस, एम एस मतलब मास ऑफ सन, ये आपका क्या हो जाएगा, आर एस रेडियस ऑफ सन। तो यहां से अगर हम निकालें तो दोनों को जो लाइन ज्वाइन करता है उसके अबाउट आपको क्या निकालना, मिनिमम वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी पे ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पूरे तरीके से एस्केप वेलोसिटी पे फोकस है, सन अर्थ सिस्टम, यानी कि सन और अर्थ सिस्टम को ही हम सिस्टम लेंगे, क्योंकि प्रेजेंस तो उसका और भी बहुत सारा प्लैनेट है, तो और दूसरा रोटेशनल मोशन को यहां इग्नोर करना है और रिवोल्यूशनल मोशन को। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज दैट ये आपका क्या है, सन है, और इसके सेंटर से और यहां से डिस्टेंस, ये आप ध्यान से देखिए, ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है, और इस को लाइन ज्वाइन करने वाला, तो लाइन ज्वाइन करेगा ये सेंटर, सेंटर को हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। अब रॉकेट, तो ये आपका दोनों सिस्टम हुआ, ये आपका सन हुआ, ये आपका अर्थ हुआ। अब एक रॉकेट को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो रॉकेट हम लॉन्च कर रहे हैं और वो उसका आपको एस्केप वेलोसिटी आपको चाहिए। तो सिंपल सा बात है कि जब भी आप रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे और ये आपका सन अर्थ सिस्टम को बैलेंस करना चाहिए। तो आपको वी एस, तो वी एस यही आपसे वेलोसिटी पूछा है। तो सपोज डेट उसका वेलोसिटी क्या होगा, और वो भी अवे फ्रॉम सन, सन से दूर जाते हुए, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर अवे फ्रॉम, तो इधर से ये लॉन्च हुआ और ये अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर जाते हुए हम इसको शो कर रहे हैं। तो ये हुआ अवे फ्रॉम सन, अवे फ्रॉम सन, सन से दूर जाते हुए इसका हम स्ट्रक्चर शो कर दिए। अब क्या होगा कि अर्थ भी इस पे फोर्स लगाएगा, सपोज दैट इसका मास ये आपका कैपिटल एम है, तो एम ऑफ एस, एम ऑफ ई अर्थ का मास, और ये आपका क्या हो जाएगा, सन का मास, और इस रॉकेट को, इस रॉकेट को हम लॉन्च किए हैं, विच इज अवे फ्रॉम सन, सन से दूर जाते हुए,
अब हमको ये देखना है कि किस वेलोसिटी, सपोज दैट इसको वेलोसिटी हम दे दिए, वही आपसे वेलोसिटी पूछा है कि वी एस आप बताइए कि वी एस क्या होगा, यानी कि इसका स्पीड क्या दे, मिनिमम स्पीड जिससे ये क्या हो जाए, लीव फ्रॉम दिस सरफेस, यानी यहां से हम क्या किए, अवे फ्रॉम सन, यानी कि इसके सरफेस से, ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है और इससे हम क्या किए, रिलीज किए, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। अब सपोज दैट उसको वी वेलोसिटी से हम यहां से क्या किए, तो वो आपका वेलोसिटी जो है इसके वेलोसिटी से हम यहां से इसको क्या किए, वी वेलोसिटी से यहां पे हम इसको फायर किए इस रॉकेट को। अब वही वी वेलोसिटी हमको निकालना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे दो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक तो ये अर्थ के वजह से, अर्थ भी नहीं चाहेगा कि इसके सरफेस से बाहर निकले, और दूसरा सन भी नहीं चाहेगा कि इसके सरफेस से। अब आपको पता है कि इसका मास और इसके बीच का डिस्टेंस, यानी इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है, दैट इज 3 × 10⁵ टाइम्स इसका मास है और 2.5 × 10⁴ टाइम्स इसका रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सन, तो ये क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा इस रॉकेट पे, तो टोटल फोर्स अगर हम निकालें, और तो इसको सपोज दैट ये एक सर्कल बनाएगा और ये रोटेट करेगा, सपोज दैट ये इस टाइप से रोटेट करेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर सेंट्रिपिटल फोर्स, हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम ई स्क्वायर, अब ये बराबर किसके हो जाएगा, तो ये आपका हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ध्यान से देखिए, ये इस पे फोर्स लगाएगा, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ये इसका वैल्यू क्या होगा, जी ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी एक तो मास, ये हम सन का लेंगे और सन इस पे इतना फोर्स लगाया और इसका इसका मास स्मॉल एम, और स्मॉल एम किसका मास है, मास ऑफ रॉकेट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मास ऑफ रॉकेट, तो यहां से हम क्या लिए, कैपिटल जी, ये आपका कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ सन, मास ऑफ दिस रॉकेट और उसके बीच का डिस्टेंस, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस आप ले लीजिए कि रेडियस, इसका रेडियस क्या होगा, तो इसका रेडियस है इतना टाइम्स एम ई, तो 3 × 10⁵ रेडियस में अगर ले लेते हैं, तो रेडियस ऑफ सन, सो रेडियस आर एस प्लस, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाया, ये भी अट्रैक्शन का एग्जैक्टली, ये भी इसको अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, सो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी एम ई अर्थ का, और ये फिर मास स्मॉल एम क्या हो जाएगा, इसका मास, मास ऑफ रॉकेट डिवाइडेड बाय इसका रेडियस, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा आर ई, ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये कौन सा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, रॉकेट, रॉकेट जब भी लॉन्च करते हैं तो रॉकेट क्या होता है, इस टाइप से एक ये सर्कल बना के ये पूरा अर्थ के सरफेस पे ये रोटेट करते रहता है, ताकि ये जब रॉकेट लॉन्च करते हैं तो अर्थ के सरफेस से वो क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, तो वही आपसे वेलोसिटी पूछा है, ये तो हम क्या होता है जब हम किसी इस टाइप से हम रॉकेट को लॉन्च किए तो वो अर्थ सरफेस से बाहर जाएगा, तो इसका वेलोसिटी, सपोज दैट इसका वेलोसिटी वी ले लिए हैं और यही वी वेलोसिटी आपको निकालना है, तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो बस इसको अब इजी कर देते हैं, तो इसका अगर वैल्यू निकालें तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर, और वी ई यानी इसके वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू जी, जी दोनों में आपको कॉमन दिखेगा और एम भी कॉमन दिख रहा है, स्मॉल एम, और मास ऑफ सन क्या हो जाएगा,
3 into 10 to power 5 ME divided by RS. So, तो ये आपका हो जाएगा 2.5 10 to power 4 RE plus G a small m into capital M ME. और आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका आ जाएगा आर ई वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ. अब ध्यान से देखिए, मास 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 ये कैंसिल हो गया. अब यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी ई स्क्वायर बाय टू दैट इज इक्वल टू जी, और एम ई कॉमन आपका आ जाएगा और आर ई भी कॉमन आ जाएगा. यहां से आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू पावर 5 2.5 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस 1. तो इसको बस इजी कर लेंगे, तो जब इसको हम इजी करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा वी ई स्क्वायर बाई टू दैट इज इक्वल टू, अब यहां से 10 टू पावर 5 तो ये आपका 10 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 10 टू पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 10. तो यहां से आपका वैल्यू आपका आ जाएगा 4. तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा जी कैपिटल एम ई बाय आर ई और ये आपका हो जाएगा 13. तो यहां से अगर हम वैल्यू ले लें तो ये आपका क्या आ जाएगा, सिंपली वी ई स्क्वायर बाय टू दैट इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर ई. अब यहां से अब ये आपका क्या आ जाएगा, इधर 13. अब क्या हो जाएगा, इधर से टू टाइम्स टू से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा. तो यहां से आपका क्या आ गया, वैल्यू वैल्यू आपका आ जाएगा वी ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टू जी कैपिटल एम ई बाय आर ई इंटू 13. अब क्या हो जाएगा, वी ई हमको सिर्फ चाहिए एस्केप वेलोसिटी, सो इधर रूट ओवर चला जाएगा, रूट ओवर टू जी कैपिटल एम ई बाय आर ई, तो ये आपका आ जाएगा और यही आपका वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटू रूट 13. और इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इसका वैल्यू आपका हो जाता है वी ई एस्केप वेलोसिटी. तो यहां पे वी एस ले लेते हैं, हर जगह वी एस ले लेते हैं या V ले लीजिए, यानी कि वी एस आपसे पूछा है तो वी एस ले लेते हैं. और वी ई का वैल्यू आपको पता है कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है. तो इसका वैल्यू आपको पता है कि जब अर्थ सरफेस से किसी को बाहर भेजते हैं अर्थ सरफेस से तो कितना वेलोसिटी उसका होना चाहिए, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इंटू रूट 13. तो ये करीब करीब आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3. समथिंग के आसपास. तो इसका 9 यानी कि 3. तो ये आपका इतना आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है. तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3. तो और करीब करीब ये 4 के आसपास आ जाएगा, तो 4 यानी 40 के आसपास आ जाएगा, इतना किलोमीटर पर सेकेंड. और यही आपका आंसर है, 40 या 41 के आसपास आ जाएगा. तो ये आपका आ गया आंसर. तो इसमें हम किए क्या, एक रॉकेट को लॉन्च किए, तो रॉकेट को जब लॉन्च किए तो वो क्या होगा, उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी देना पड़ेगा. तो फोर्स, इधर भी फोर्स, तो इधर ग्रेविटेशनल फोर्स और उधर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. अब ध्यान से देखिए, इसका मास होगा, इसका मास होगा, तो कहीं कहीं सेंटर ऑफ मास सपोज दैट यहां पे होगा. अब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इसको जाने नहीं देगा, और अवे फ्रॉम सन है तो सन भी इसको रोकने का कोशिश करेगा. अर्थ तो अपने सरफेस से दूर जाते हुए वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा, तो एक अट्रैक्ट करेगा इस फोर्स से. तो ये फोर्स ऑफ सन है और ये फोर्स ऑफ अर्थ है, तो ये भी रोका और ये भी इसको क्या किया, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स. तो जी कैपिटल एम एस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर एस उसका रेडियस. अब ध्यान से देखिए, ये कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ और ये स्मॉल एम रॉकेट का मास, तो ये आपका क्या होगा, दोनों ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स. अब ये इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स. अब इसके अंदर वी वेलोसिटी से लॉन्च अगर किए तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स.
या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो भी कहिए, सेंटर की तरफ जो लगेगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बाहर लगने वाला फोर्स अंदर लगने, यानी कि सेंटर की तरफ लगने वाला और ये सेंटर से दूर जाते हुए, अवे फ्रॉम द सन, अवे फ्रॉम द सन, सन से क्या है दूर जाते हुए दिखा रहे हैं, अवे फ्रॉम द सन, तो अवे फ्रॉम सन, ये भी इसको रोकने का कोशिश करेगा, ये भी रोकने का कोशिश करेगा, ये कितना फोर्स लगेगा, एफ एस जी, इसका मास, तो इसका मास एम एस, और इसका मास स्मॉल एम आर एस, इसका रेडियस। अब ध्यान से देखिए ये आपका क्या होगा, अर्थ लगाएगा तो जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दिस, तो ये क्या दोनों एक दूसरे, ये चाहेगा इसको रोकने का कोशिश करेगा, ये क्या होगा फिर ये रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो सिंपल सा बात है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेगा और यहां से आपका क्या आ जाएगा रूट जी एम ई, इसका वैल्यू क्या हो जाता है 11.2। आपको पता है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दिए और ये आपका क्या है करीब करीब 4 के आसपास आएगा, तो उससे थोड़ा सा आप कम ले लीजिए तो 40, यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको समझ में आ गया, अवे फ्रॉम सन है तो ये भी इसको रोकने की कोशिश करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पोजिशन पे, तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, जितना सेंटर से दूर जाते हुए फोर्स, सेंटर से दूर जाते अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाते हुए और वही सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस किया, सो एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, एट इक्विलिब्रियम पोजिशन सेंटर से दूर, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आपका क्या हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सो एग्जैक्टली दिस वैल्यू एंड यू गेटिंग दिस रिजल्ट, एंड इंडीड इट्स क्वेश्चन विच इज गास